सो हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम बैक इन अनदर प्रोजेक्ट। आज मैं आपके लिए बहुत सिंपल सी वेबसाइट लेके आया हूँ, बहुत सिंपल सा पोर्टफोलियो लेके आया हूँ एनिमेटेड। इसमें मैंने जरा सा भी जावास्क्रिप्ट यूज नहीं किया है। ये बिगनर्स के लिए बहुत सही वेबसाइट है, जिसको सिर्फ HTML और CSS आता है, उसके लिए बनाई है मैंने ये वेबसाइट। इसमें मैंने एनिमेशन का यूज किया है। तो जो न्यू व्यूवर्स है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और जिस किसी ने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मेरी आई बटन से पूरी फ्रंट एंड डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट एक्सेस कर ले प्रोजेक्ट की यहाँ से, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ये पोर्टफोलियो वेबसाइट, जिसमें मैंने आइकन्स का भी यूज किया है, बॉक्स शेडो, टेक्स्ट शेडो। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हेलो प्रोग्रामर्स, मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। आई होप आप सभी ने भी VS कोड ओपन कर लिया होगा। तो मैंने यहाँ पर सारी फाइल बना ली है एंड ये PNG की फॉर्म में इमेज है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी इमेज की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा और सोर्स कोड भी प्रोवाइड करवा दूंगा, बट आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी तभी सोर्स कोड मिलेगा। आपको मैं लास्ट में बताऊंगा सोर्स कोड किधर है। सो उससे पहले हम आइकन्स की लिंक ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले चलिए क्रोम ब्राउजर पे एंड्राइड फॉन्ट ऑसम CDN, क्लिक ऑन फर्स्ट लिंक। अब देखो ये HTML का टैग दिख रहा है ना, सिंपली कॉपी करना है एंड पेस्ट इन हैड टैग। मैंने पहले से ही ऑलरेडी पेस्ट कर चुका हूं, तो आप भी कर लेना। एंड देन उसके बाद में हम यूज करेंगे हेडर टैग का, एंड देन उसके बाद में हम यूज करेंगे H1 टैग का। क्लास दिए मैंने इसे लोगो, एंड देन मैंने XYZ यूज किया है। आप अपने हिसाब से कुछ भी टैग्स राइट कर सकते हो यहाँ पर। एंड मैंने ये PNG के फॉर्म में जो इमेज है उसे यूज किया है। सो हियर इज अवर वेबसाइट, एंड देन उसके बाद में हम यूज करेंगे नैव टैग का एंड होम अबाउट सर्विस कॉन्टैक्ट। तो ये रहे हमारे नैव, एंड देन उसके बाद में हम यूज करेंगे डिव टैग का। क्लास दिए मैंने आइकन्स। मैं आपको एक आइकन्स लगा के बता देता हूँ कैसे यूज करना है आइकन्स को। सबसे पहले जाना है क्रोम पे एंड राइट फॉन्ट ऑसम, फॉन्ट ऑसम यूज करना, फॉन्ट ऑसम CDN मत यूज करना। क्लिक ऑन फर्स्ट लिंक, क्लिक ऑन आइकन्स, एंड जैसा भी आपको आइकन्स की जरूरत है आप उसका नाम यहां पर राइट कर देना। तो ये प्रो वाले मत यूज करना, ये पैड वाले है, इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो इस पर क्लिक करना सिंपली एंड ये कॉपी कर लेना क्लिक करके, एंड सिंपली यहां पर पेस्ट कर देना। सो आप इसे मैनुअली भी टाइप कर सकते हो। देखो FA सॉलिड, FA हार्ड, ये मुझे बार बार यूज करते हुए आदत हो गई है, इसलिए मुझे याद रहते हैं सारे के सारे। एंड देन उसके बाद हम यूज करेंगे सेक्शन टैग का। क्लास दिए मैंने इसे होम, एंड देन सेक्शन टैग के अंदर हम यूज करेंगे डिव टैग का, एंड क्लास दिए मैंने इसे कंटेंट। H4 का यूज किया मैंने हेडिंग का, हेलो इट्स मी XYZ। आप अपना नाम यहाँ पर राइट कर सकते हो स्पैन टैग के अंदर। एंड BR टैग का यूज किया है मैंने, BR टैग का यूज हम करते हैं ब्रेक के लिए, कभी मैं इसे हटा दू। तो देखो फ्रंट एंड ब्रेक हो गया, नीचे वाली लाइन में आ गया, इसलिए हम BR टैग का यूज करते हैं। H1 यहीं पे क्लोज हो गया, एंड पैराग्राफ टैग का यूज किया है लॉरम, एंड इसमें भी मैंने BR टैग का यूज किया है। उसके बाद तो ये यहां तक के है, इसे मैं नीचे कर लेता हूं। एंड देन उसके बाद हम यूज करेंगे डिव टैग का। क्लास दिए इसे बटन, एंड
टू बटन्स का यूज़ किया है मैंने, लाइट स्टॉप पोर्टफोलियो करके, एंड देन उसके बाद में हम यूज करेंगे सोशल मीडिया आइकन्स का। क्लास दिए डीप बनाया एक, एंड क्लास दिए सोशल, एंड एंकर टैग का यूज किया है, एंड आपको बता दिया है मैंने कैसे आइकन्स ऐड करना है। सिंपली आपको सर्च में जाके राइट करना है फेसबुक, सो ये राइट हो जाएगा। आप इसे मैनुअली भी टाइप कर सकते हो स्क्रीन पे देख के। सिंपली आपको यूज करना है क्लास एफ ए ब्रांड्स एंड एफ ए इंस्टाग्राम। देखो आपको जैसा भी आइकन चाहिए आप इसे यूज कर सकते हो। फेसबुक, सिंपली देखो फेसबुक आ गया, एंड देन बस। सो हमारा HTML बॉडी ही खत्म होता है। सो हियर इज अवर वेबसाइट। अब चलते हैं हम CSS देने। तो CSS की लिंक मैंने ऐड कर ली है। मेक श्योर जिस नाम से आपने फाइल बनाई है उसी नाम से यहाँ पर लिंक मतलब फाइल का नेम वही राइट करना, तभी ये वर्क करेगा। चलिए स्टार्ट करते। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सल टैग से। यूनिवर्सल टैग का हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग हटाने के लिए हमारे डॉम में, कभी मैं इसे हटा दूं, देखो इसमें डिफॉल्ट रहती है, एंड देन आगे सबको समझ में। एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स ऑन फैमिली दिए मैंने, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अब बॉडी को डायरेक्ट करते हुए मीन हाइट दी है 100 VH, एंड बैकग्राउंड कलर, देखो बैकग्राउंड कलर का मत यूज करना क्योंकि उसमें लीनियर ग्रेडियंट काम नहीं करता है। लीनियर ग्रेडियंट ही बैकग्राउंड में काम करता है। लीनियर ग्रेडियंट 45 डिग्री, यहाँ से ब्लैक यहाँ से ब्राउन। सो इसे कभी मैं फुल स्क्रीन पे देखूँ तो देखो 45 डिग्री से दिया है मैंने, सबको समझ में आ गया। एंड देन उसके बाद हम यूज करेंगे, टारगेट करेंगे हेडर टैग को। ये रहा हमारा हेडर टैग, वीट दी 100%, पोजीशन फिक्स्ड, टॉप से 0, राइट से 0, लेफ्ट से 0, पैडिंग दी है मैंने टॉप एंड बॉटम से 20 pixels, 6% डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सॉरी स्पेस बिटवीन, अलाइन आइटम सेंटर, जी इंडेक्स 99। इसमें मैंने एनिमेशन ऐड किया है, एनिमेशन की एनिमेशन हम इसे लास्ट में देंगे। एंड देन हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है, एंड देन उसके बाद में हम टारगेट करेंगे हेडर टैग के इमेज को, हेडर टैग के इमेज को, पोजीशन एब्सोल्यूट, लेफ्ट से 45 रैम, टॉप से 10 रैम, फिल्टर ड्रॉप शैडो को यूज किया है मैंने। ये है अपना एक्स एक्सिस पे, ये वाला वाई एक्सिस पे, एंड 10 पिक्सल ब्लर रेडियस, एंड शैडो दिया है वाइट। अब देखो अब जैसे ही मैं इस पे होवर करूंगा तो फिल्टर ड्रॉप शैडो हो जाएगा इसका ग्रीन, समझ में आ रहा है सभी को। अभी इतना स्मूथ इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें मैंने ट्रांजिशन डाला, कभी मैं ट्रांजिशन हटा दूं तो देखो फास्ट हो रहा है। एंड देन उसके बाद हम टारगेट करेंगे हेडर के लोगो को। ये रहा लोगो हेडर का, फॉन्ट साइज दिए 45 pixels, फॉन्ट वेट 70, लेटर स्पेसिंग 1 pixel, एंड टेक्स्ट कलर ग्रीन, एनिमेशन इसमें भी ऐड किया है, एंड हेडर के नेव को नेव टैग, ये देखो ये हेडर ये नेव, मार्जिन दिए लेफ्ट 50 pixel, इसमें भी एनिमेशन ऐड किया है, एनिमेशन फील मोड दिया है बैकवर्ड, मतलब पीछे से आगे आएगा ये। एंड देन के बाद में हम टारगेट करेंगे हेडर के नेव के ए को, देखो हेडर के नेव के ए को, एंड देन पोजीशन रिलेटिव, फॉन्ट साइज दिए मैंने 90 pixel, फॉन्ट वेट 500, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, एंड मार्जिन लेफ्ट दिए, पैडिंग दिए ऑल अराउंड 8 pixel, टेक्स्ट कलर दिया है वाइट, लेटर स्पेसिंग 8.5 pixel, ट्रांजिशन इसमें भी ऐड किया है मैंने, एंड बॉर्डर बॉटम दिए सॉलिड ट्रांसपेरेंट 3 pixel। तो देखो अब हेडर के नेव के ए को जब मैं होवर करूंगा तो टेक्स्ट कलर हो जाएगा इसका ग्रीन, एंड बॉर्डर आ जाएंगे नीचे से बॉटम से सॉलिड। देखो आ रही बॉर्डर, देखो ट्रांजिशन तो आपको पता ही होगा हम क्यों देते हैं, स्मूथ करने के लिए।
एंड देन उसके बाद में हम टारगेट करेंगे आइकन्स. सो हियर इज अवर आइकन्स. फॉन्ट साइज 22 पिक्सल, टेक्स्ट कलर व्हाइट, मार्जिन राइट साइड से 50 पिक्सल, 15 पिक्सल, ट्रांजिशन इसमें भी ऐड किया है 0.3s, इसमें मैंने एनिमेशन ऐड किया है, इसमें भी एनिमेशन फील मोड बैकवर्ड मतलब पीछे से आएगा या आगे, एनियन एंड आइकन्स के ए के जब मैं होवर करूं मतलब कलर हो जाएगा इसका भी ग्रीन, दिख रहा है सभी को. तो हमारा हेडर टैग यहीं पर एंड होता है एंड सेक्शन टैग को टारगेट करते हुए पैडिंग दी है मैंने 4%, 6% एंड 0 टॉप बॉटम से एंड लेफ्ट राइट से ये ऑल अराउंड रहता है 0 एंड देन उसके बाद मैंने टारगेट किया होम को, क्लास होम को. हाइट दी 100 VH, डिस्प्ले फ्लैक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, ये हमारे दोनों साथ साथ में है हा? ये और ये आइकन्स, इसलिए हमारे जस्टिफाई स्पेस बिटवीन दिया. एंड देन मैंने उसके बाद टारगेट किया है होम के कंटेंट को, इसमें मैंने एनिमेशन ऐड किया है. तो जब इसमें हम एनिमेशन ऐड करेंगे, देखो एनिमेशन बता देता हूँ, एनिमेशन ये होता है एनिमेशन, एनिमेशन नेम, एनिमेशन ड्यूरेशन, केस इन आउट एंड एनिमेशन ड्यूरेशन एंड एनिमेशन फील मोड बैकवर्ड मतलब ये इतने लेट होगा. एनिमेशन नेम मतलब ड्यूरेशन मतलब डिले, एनिमेशन डिले समझ में आ गया आपको, ये होता है एनिमेशन टाइम, ये होता है एनिमेशन डिले. एंड उसके बाद में हम टारगेट करेंगे होम कंटेंट के H4 को. फॉन्ट साइज 24 पिक्सल, लेटर स्पेसिंग 1 पिक्सल, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, कलर दिया है व्हाइट, मार्जिन दिए बॉटम नीचे से 10 पिक्सल. एंड उसके बाद में हमने टारगेट किया है H1 को, स्पैन को, सॉरी H1 को. फॉन्ट साइज दिए 50 पिक्सल, फॉन्ट वेट 700 एंड लेटर स्पेसिंग 1 पिक्सल, इसमें भी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज और टेक्स्ट कलर व्हाइट. अब हम टारगेट करेंगे कंटेंट के H1 के स्पैन को. स्पैन में हमने XYZ दिया था, फॉन्ट साइज 62 पिक्सल, फॉन्ट वेट एंड कलर दिया है मैंने इसे ग्रीन. अब हम टारगेट करेंगे पैराग्राफ टैग. सो हियर इज अवर पैराग्राफ टैग. फॉन्ट साइज 70 पिक्सल, कलर दिया है व्हाइट, लाइन हाइट 1.8, अभी मैं इसे हटा दूं, समझ में आ गया लाइन हाइट, मार्जिन टॉप बॉटम एंड लेफ्ट राइट से ये पूरा एक रहता है एंड ये टॉप एंड बॉटम से दिए है मैंने. के बाद में हम टारगेट करेंगे बटन होम के बटन टैग को, सॉरी बटन क्लास, होम क्लास के बटन, इसमें मैंने एनिमेशन ऐड किया है सेम, एनिमेशन नेम, एनिमेशन ड्यूरेशन, केस इन आउट एंड एनिमेशन डिले. एंड उसके बाद में टारगेट किया है होम बटन के एंकर टैग, होम बटन के एंकर टैग, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, पैडिंग दिए मैंने बॉटम टॉप से, कलर दिया है व्हाइट, टेक्स्ट डेकोरेशन कैपिटलाइज, फॉन्ट साइज 22 पिक्सल, बॉर्डर सॉलिड 2 पिक्सल व्हाइट, ये देख दिख रहा है, एंड बॉर्डर रेडियस दिए 10 पिक्सल, मार्जिन दिए इसे राइट से 20 पिक्सल मतलब यहाँ से इन दोनों को, एंड फॉन्ट दिया है मैंने फॉन्ट वेट 600 एंड मार्जिन दिए टॉप से 30 पिक्सल एंड इसमें मैं ट्रांजिशन ऐड किया है क्योंकि ये स्मूथ होने के लिए जब मैं इस पर होवर करूंगा तो बॉक्स शेडो हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई एक्सिस पे एंड ब्लर रेडियस एंड ग्रीन कलर. अब मैंने टारगेट किया है हमारा VTN2 को टारगेट करते हुए, बैकग्राउंड कलर हो जाएगा इसका ग्रीन ये वाला एंड बॉर्डर भी इसकी हो जाएगी ग्रीन सॉलिड 2 पिक्सल एंड कलर दिया टेक्स्ट कलर ब्लैक. अब हम टारगेट करेंगे सोशल मीडिया आइकन्स को. तो हियर इज अवर सोशल मीडिया आइकन्स. डिस्प्ले फ्लैग्स, फ्लैग डायरेक्शन कॉलम आप देख सकते हो एंड गैप दिया है मैंने इनके
15 पिक्सल, इसमें भी एनिमेशन ऐड किया है सेम। अब हम टारगेट करेंगे सोशल मीडिया के एंकर टैग को, ये सोशल मीडिया के एंकर टैग को। कलर दिया है व्हाइट, फॉन्ट साइज 2 पिक्सल, डिस्प्ले इनलाइन फ्लैग्स, वेट दिया है मैंने से विड्थ 40 पिक्सल, हाइट दिए 40 पिक्सल, बॉर्डर दिया है सॉलिड व्हाइट 2 पिक्सल, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, बॉर्डर रेडियस 50%, इसमें भी ट्रांजिशन ऐड किया है, बॉक्स शैडो दिया है वही सेम। एंड जब मैं इस पे होवर करूंगा तो इसके भी समझ में आ रहा है। जैसे मैंने इस पे होवर किया, देखो अभी समझाता हूं। अब जैसे मैं इस पर होवर करूंगा ना, ट्रांसफॉर्म स्केल 1.1, अभी मैं इसे हटा दूं तो ये वर्क नहीं करेगा। देखा जूम आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है। अभी इसमें मैं वापस ला दूं, देखो जूम आउट होने लग गया। एंड देन उसके बाद में हम टारगेट करेंगे इमेज कंटेनर, इमेज कंटेनर वेरी इमेज कंटेनर, तो हियर इज अ नो इमेज कंटेनर, शायद दूसरे इसका इसके अंदर आ गया है गलती से, तो आप इसे कमेंट आउट कर दे, इसका हमारा कोई यूज नहीं है। एंड देन उसके बाद में हम टारगेट करेंगे, अब इसमें हम ऐड करेंगे एनिमेशन, देखो जिसमें भी फेड है इन होगा जीरो पे हो जाएंगे ऑपेसिटी जीरो, एंड 100% जैसी हुआ ऑपेसिटी हो जाएंगी वन। फेड है इन, फेड है इन हमारा है ये, देखो फेड है इन अप है इसमें, इसमें भी अप, इसमें भी अप, देखो इसमें फेड है इन, ये रहा हमारा फेड है इन। तो मैं आपको बता दूं, जो हमने एनिमेशन नेम दिया था की फ्रेम आइडेंटिफायर आएगा इसकी जगह, आपको जो एनिमेशन नेम आपने दिया था वही यहाँ पर राइट करना, तभी ये वर्क करेगा। एंड देन इसमें स्लाइड इन लेफ्ट होगा, उसका जीरो से स्टार्ट होगा, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स एक्सिस पे मतलब हॉरिजॉन्टल माइनस 100% से स्टार्ट होगा, एंड 100% पे एंड होगा, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स एक्सिस पे जीरो, ऑपोजिट हो जाएंगे इसकी जीरो। इसी में इसको समझ में आ गया सभी को। एंड जिस किसी में भी स्लाइड राइट होगा, सेम दिया है उसमें भी, बस यहां पर माइनस का साइन हटा दिया है, एंड जीरो ऑपेसिटी हो जाएंगी जीरो वन। एंड देन उसके बाद में फेड इन अप होगा, उसमें जीरो से स्टार्ट होगा, ट्रांसलेट 50 पिक्सल, ऑपेसिटी जीरो, 100 पे एंड करते हुए ट्रांसलेट वाई एक्सिस पे जीरो, वाई एक्सिस पे होगा हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल, एंड फेड इन राइट जीरो, एक्स एक्सिस पर हॉरिजॉन्टल 50, एंड जीरो पे एंड ऑपेसिटी जीरो और वन। तो हियर इज योर वेबसाइट। तो देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल वेबसाइट बनाई है मैंने, आप इसे अपने रेज्यूमे में भी ऐड कर सकते हो, और आप इसमें थोड़ा सा एडिशनल कुछ अपने हिसाब से भी अपडेट करना, मतलब जैसे कि यहाँ पर लिंक ऐड कर देना अपने कुछ भी, मतलब यहाँ पर आपकी सोशल मीडिया की लिंक ऐड कर देना, इंस्टाग्राम की, ट्विटर की, गिटहब की, फेसबुक की, कैसे करना है आपको मैं वो भी बता देता हूँ। तो सिंपली आपको जाना है अपने लिंक्डइन अकाउंट पे, एंड यहाँ पर जो यूआरएल आएगा उसे कॉपी कर लेना है, आपका जब लॉग इन हो जाएगा तब, जैसे कि मेरा लॉग इन हो गया है, यहां से आपका यूआरएल कॉपी कर लेना। एंड देन पेज लिंक्डइन तो है नहीं इसमें, मैं आपको बता देता हूं फिर भी, जैसे कि ये लिंक्डइन कर देते हैं इसको, देखो लिंक्डइन का आइकन आ गया, देखा कैसे मैंने मैन्युअली टाइप किया, एंड सिंपली आप यहां पर पेस्ट कर देना,
हमने यहाँ पर URL पेस्ट कर दिया है, यह हैश यहाँ से हटा देना हैशटैग। अब जैसे मैं LinkedIn पे क्लिक करूंगा ना तो LinkedIn ओपन हो जाएगा। सो हो गया, तो इस तरह आपको अपडेट करना है। आप लोग सब समझ ही गए होंगे मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं। सो मेरी फ्रंट एंड की प्लेलिस्ट आप डिस्क्रिप्शन में से एक्सेस कर लेना, उसे सेव करना और दोस्त लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करना, अपने सारे दोस्तों के लोगों के साथ शेयर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर विद कोडर्स एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।